हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि यू नो कि इवान का सेकंड बर्थडे लास्ट ईयर था और मैंने उस टाइम बर्थडे का व्लॉग पोस्ट नहीं किया था, तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप मुझे माफ कर दोगे। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ पे नई बेडशीट और पिलो कवर्स लगा रही हूँ। मुझे काफी टाइम से एक सिल्क वाली बेडशीट चाहिए थी, तो मलबेरी सिल्क में थोड़ी सस्ते में मिल जाती है। एक्चुअल सिल्क वाली बेडशीट मिलती है बहुत ही ज्यादा, लाइक आई थिंक 30,000 के ऊपर मिलती है, तो मुझे ये काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल गई। और आज ही डिलीवरी हुई तो मुझे लगा कि बहुत ही सही टाइम पे मिली है इवान के बर्थडे के दिन। इवान का फर्स्ट बर्थडे हमने ग्वांगझो में बनाया था और बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत धूमधाम से पूरी सेलिब्रेशन डेकोरेशन। पर इस बार हम बहुत सादा बर्थडे मनाने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था उसके फर्स्ट बर्थडे पे, उसकी स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। ये ब्लैंकेट आया या क्विल्ट कवर भी बोल सकते हो आप इसको। वाओ, ब्यूटीफुल चेन है, बट अगर आपको चेन नहीं खोलनी, कुछ अंदर नहीं डालना, तो इसको एज अ ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो आप। एक पिलो कवर बाकी है, बट ये सिल्क और सैटिन का ये है ना, इसका ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी गंदे लगने लग जाते हैं, इस पर धूल जमी हुई नज़र आ जाती है। देखो देखो गाइस, सो ब्यूटीफुल। गाइस कैसा लग रहा है आपको, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। एक पिलो कवर खाली रह गया है क्योंकि मुझे उसका पिलो दूसरे रूम से लाना होगा, है ना इवान, यू लाइक इट? बट ये इतना इजीली स्लिप हो रहा है ना, इस ब्लैंकेट को मैं रख ही नहीं पा रही थी। आपके सामने फिसलेगा, ये इतना सॉफ्ट है, ओह माय गॉड। तो हमने ये एसी खुद से इंस्टॉल किया, गड्ढा वड्ढा करके मैंने उड़ीन ने मिल के उठा के पूरी वायरिंग करके बाहर से ला के। अब वो देखो कहाँ पे बैठे हुए, बस ऐसे हमारा काम चलता रहता है, हम करते रहते हैं काम। यहाँ छी गुवेरा का ट्रक। तो गर्मियों के टाइम इवान को बहुत ही शौक चढ़ा था पानी से खेलने का, तो मैंने सोचा इसका बर्थडे है, चलो इसको खेलने देती हूँ। मैंने वॉश बेसिन में बिठा दिया इसको और जितना खेलना है खेलो, बट इसको वॉच करते रहना पड़ता है मुझे, क्योंकि कभी भी गिर सकता है यहाँ से ये। Collecting water. तो मैं बालकनी में कुछ काम कर रही थी, मैंने देखा कि जो मेरे नेबर्स हैं ये खुद के गार्डन में कुछ तो फिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली इनके यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, ये जो पेविलियन होता है चाइनीज पेविलियन, वो खुद ही लगा रहे हैं ये, किसी वर्कर को इन्होंने हायर नहीं किया है। तो यहाँ पे लोग खुद का काम खुद ही कर लेते हैं, भले ही आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो घर पे, यू नो रिनोवेशन करना हो या गार्डन पे कोई बिल्डिंग इंस्टॉल करनी हो, ये खुद ही करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन अंडे मंगाए और ये देखो ऐसे आए, एक भी नहीं टूटा है, पता नहीं कितनी लंबी जर्नी तय करके आया। फार्म से मंगाए मैंने, क्योंकि अंडे अच्छी क्वालिटी के मिलना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर फैक्ट्री वाले आते हैं ना, तो ये फार्म वाले जिसमें यू नो मुर्गियाँ एकदम घूमती है कहीं पे भी जाती है जंगलों में, अंडे भी अच्छे देते हैं और हेल्दी होते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते वगैरह, तो इस चीज़ का मैं ध्यान देने लगी हूँ आजकल। ऐसे छोटे से डिब्बे में 40 अंडे ढके हुए पैक्ड आए थे, देखो आप। गाइस यहाँ पे झगड़ा हो रहा है दो लेडीज का, पता नहीं ये जो गार्बेज बिन है ना उसके पास में आके झगड़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ झगड़ा होगा, पता नहीं किसने कुछ फेंक दिया या क्या है, आई डोंट नो। एक के हाथ में खाली गमला है, यहाँ से दिख नहीं रहा, ये देखो। ओहो, एक तो इवान है ना, मुझे कचरा नहीं साफ करने, बाबू छोड़े उसको, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है साथ में। तो ये है ना, यहाँ पे क्या होता है देखो, लोगों ने भीड़ नहीं जमा की, यहाँ पे लोग नहीं इकट्ठे होते। आफ्टरनून में इवान के सोने के बाद मैंने खूब सारे हुआजवान बनाए जिनको मैं स्टीम करने वाली हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगी। तो इवान को पानी देने का बहुत शौक चढ़ा है अभी, ये यानी जबरदस्ती नल ओपन करवाता है, खुद करता है और पाइप लेके इधर उधर छिड़कने लगता है, बस हमारी कॉपी करता है ओडिन की और मेरी पानी देते हुए, देखो। और नहीं मानो इसकी बात तो गुस्सा हो जाता है। वैसे मच्छर इतने हैं यहाँ पे आज, क्या करें, मैंने सोचा बारिश हो ही रही है गिरने दो पानी, क्या करें, कई बार माननी पड़ती है बात। वैसे सूख गया था आंगन पूरा, लेकिन इवान के सामने सबको झुकना पड़ता है। इसको मच्छर काट के पीछे देखो। तो गाइस मैंने मंगाए थे किडनी बीन्स, राजमा, पका हुआ राजमा कैंड। मैंने ये मंगाना स्टार्ट किया, देखो आप इस टाइप से,
इसमें एक सॉस में आता है और कुछ नहीं होता, बस पकी हुई किडनी बीन्स होती है, थोड़े से हल्के से मसाले होते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर राजमा बनाना चाहती हूँ तो 2 मिनट में बन जाता है, तो मैं बस टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये आई है मूँगफलियाँ 1/2 kg गाइस। आज इवान का बर्थडे है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बारबेक्यू, हम बारबेक्यू कर रहे हैं और देखो क्या व्यू है यहाँ से, हमारे घर से, और यहाँ पे बन रहा है हमारा बारबेक्यू। और ये देखो आप, मेरे हाथ में है सॉसेज और ये है फिश बॉल्स, फिश केक्स बोल सकते हो आप इसको, और ये है आटे की, लाइक आप इसको सोया चाप से कंपेयर कर सकते हो, इट्स हार्ड टू टेल यू व्हाट द टेस्ट इज़ लाइक, लेकिन ये बहुत च्यूई है। ये मैं पहले आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ शंघाई में। और यहाँ पे कुछ हमारी लैम पड़ी हुई है बारबेक्यू स्क्यूअर्स में लगी हुई, और कुछ और ये चाप के जैसे वो, तो इसमें खूब सारा हम मसाला लगा रहे हैं गाइस, देखो इसको खूब अच्छे से तेल में पहले डालते हैं ताकि इसमें मसाला चिपक जाए। और ये देखो आप, ये मसाले की बॉटल है सीजनिंग, बारबेक्यू सीजनिंग, ये हमने एक्चुअली खुद ने बनाई है और इसके अंदर डाल दिया है, इसकी इतनी अच्छी टेस्टी नहीं थी। और ये हमारा ऊपर से और तेल है और टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसी, ये हमारा रेगुलर MSG और नमक। और ये हमारे भाई साहब बर्थडे बॉय जी बैठे हुए हैं, इसको कोकोनट मिल्क दिया है हमने ताकि ये बियर टच ना करे, देखो। और इवान का फेवरेट, चलो आज इसका बर्थडे है तो कितना भी खा सकता है, इसको खाने देंगे आज हम। इवान इज एंजॉयिंग द व्यू फ्रॉम हियर, सी कितना अच्छा लग रहा है ना, ये उड़न लेके आया था नया बारबेक्यू, क्योंकि इसको बहुत ही शौक है, ये चेंज करके देखता रहता है कौन सा सूट कर जाए ना, ज्यादातर इसको पसंद ही नहीं आते। ये चाहिए तुमको? नो 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 इवान, कहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है इवान, देखो यहाँ से नहीं निकलना पप्पू, आ जाओ नो, देखो कैसे डिप किया जा रहा है इसको, व्हाट इज दिस ओरे, चिली सा, चिली जिंजर। तो गाइस इसको मैंने स्मेल करके देखा, चिली जिंजर अनियन, कुछ अलग सा ही टेस्ट है, स्मेल है इसकी, तो बहुत ही बढ़िया उसका टेस्ट आएगा मुझे तो लग रहा है। ये हमने लगाया था ऊपर, थोड़ी धूप से बचने के लिए ताकि हम बाहर बैठ पाए कभी कभी, देखो बहुत इजी टू इंस्टॉल। तो अब थोड़ा कुक होने के बाद हम इस पे स्पाइसेस छिड़क रहे हैं ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी उसमें तेल वेल लगा हुआ है। बाय द वे ये वाला कोकोनट मिल्क यहाँ बहुत पॉपुलर है, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। तैयार कर दिया देखो, और मैंने पहनी है चाइनीज ड्रेस, ये शादी के टाइम मिली थी, और हम नीचे जा रहे हैं, देखो इवान मुझे दे ही नहीं रहा है, हम नीचे जा रहे हैं केक काटने के लिए, आप भी आइए हमारे साथ। Yes, okay. Yes. Mama here. Mama here. Sota ko. Ivan knows how to blow the candles, huh? Three.
तो गाइज अब टाइम आ गया है उसके फर्स्ट बर्थडे के बारे में बताने का। तो हम लोग जब ग्वांगझो में थे, हमारे कोई जान पहचान वाला नहीं था। मैंने फेसबुक से कुछ इंडियन कम्युनिटी के लोगों को कॉन्टैक्ट किया और उनको इनवाइट कर दिया। फॉर्चुनेटली सबके सब आ भी गए और मैंने 2 दिन पहले से पूरा इंतजाम करके रखा उसके बर्थडे का। पता नहीं कौन कौन सी डिशेस बनाई थी, छोला बनाया था, पनीर बनाया था, रायता, लाइक जो कुछ भी इंडियन पार्टी में होता है वो सब बनाया था। एक्चुअली मैंने बुलाए थे 6-7 लोग और मैंने खाना 20-25 लोगों का बना दिया था। डेकोरेशन भी पूरी करके रखी थी मैंने, बहुत सारे बैलून्स फुला के रखे थे और वॉल पे भी जो सब लगाते हैं वो सब लगाया था। और उस टाइम इवान काफी छोटा था तो उसके सोने पर ही मैं काम कर पाती थी। जब भी वो जगता था पूरा अटेंशन मांगता था और उसके बावजूद भी मैंने रात रात जग के ये सब काम किया था, खाना वाना बनाया था इतना सारा। और फाइनली हुआ क्या, बर्थडे के दिन इवान जगता है और इवान का रोना स्टार्ट। पता नहीं उसका पेट दर्द हुआ या उसका मूड ख़राब था या कुछ तो था, लेकिन वो सुबह से ही रोना स्टार्ट। तो जिस दिन उसका बर्थडे था, जिस दिन लोग आने वाले थे, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई। इवान को देख रही हूँ और मैं किचन में हूँ, किचन में हाथ में उसको लेके काम कर रही हूँ। और जब लोग आए वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा था, बस सुबह से लेके रात तक वो रोता ही रहा, बस चिड़चिड़ाता रहा। उसको या तो मेरी गोदी चाहिए थी या ओडिन की गोदी चाहिए थी। और हाँ, उस दिन बड़ा सा केक भी मैंने ही बनाया था खुद से और उसकी डेकोरेशन भी पूरी मैंने की थी। तो मैंने इतना ज़्यादा काम अपने हाथों में ले लिया था। बिजी तो मैं इतना हो गई थी कि गेस्ट लोगों के आने के बाद मैं नहाने गई थी और इनके पास उनको छोड़ के गई थी। तो फाइनली बर्थडे मंथ तो गया, लेकिन एंजॉय ना तो मैं कर पाई ना इवान कर पाया, हम दोनों ही इतने परेशान रहे। तो मैंने सोचा सेकेंड बर्थडे थोड़ा चिल आउट करेंगे घर में, आराम से अकेले में हम बनाएंगे। इवान को एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ी एलर्जी सी है, तो उसको हम मिल्क प्रोडक्ट कोई भी नहीं देते, भले केक हो या दूध हो, दही हो, कुछ भी हो। तो फर्स्ट बर्थडे पे उसने केक बस चखा सा था, तो इस बार मैं उसे जितना मन करे खाने दे रही हूं। हो सकता है बाद में थोड़ा चिड़चिड़ाएगा, लेकिन आज उसे अपना पहला केक मैं मन भर के खाने दे रही हूँ। तो देखो कितना एंजॉय कर रहा है आज, ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। एक्चुअली इसने आधा केक खुद ही खत्म कर दिया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही एंजॉय किया। तो गाइज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू नो आई विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। बाय।